हेलो फैमिली, तो आप लोगों ने देखा कि मैं और मिस्टर जी गए थे शॉपिंग करने के लिए, और ये जो वीडियो है ये मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं जो कि आपको बाद में पता चलेगा शायद, और जिस दिन ये वीडियो जाएगी हो सकता है हम लोग वहां पहुंच चुके हों। तो किस चीज के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, किस के लिए कर रहे हैं शॉपिंग, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है व्लॉग। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले दिखाते हैं कि कल और आज हमने क्या क्या शॉपिंग की। पहले मैं दिखाती हूँ कल हमने क्या क्या शॉपिंग की थी। ये रहा इसमें, ये जैकेट है, ये जैकेट जो है वो हमने शॉपिंग किया है। ये लिखा हुआ इसमें मैं बता देती हूँ कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है। ये 8 to 9 इयर्स के बच्चों के लिए ये जैकेट है। सेम कलर में हल्का सा साइज छोटा भी था तो हमने थोड़ा लार्ज साइज लिया, क्योंकि जैकेट है, विंटर वेयर है, चलता है ये, साल में आदमी कुछ ही महीने पहनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे बढ़ते हैं तो ये हमने लिया है। और इसके अंदर का भी मटेरियल दिखा, पूरा गरम जैकेट है ये। और ये हमने V2 मॉल से लिया जो आप लोगों ने कल देखा। V2 नहीं, V-Mart, सॉरी V-Mart, स्लिप ऑफ माय टंग। और ये आगे करके ये चॉकलेट है, किसका है? ट्रफल लग्जरी हेजलनट, ड्यूक्स का है। ड्यूक्स का है ये चॉकलेट है। सेलिब्रेशन वगैरह जो होता है वो तो कॉमन हो गया है, सेलिब्रेशन वगैरह जो होता है चॉकलेट वो नॉर्मल है। ये सब कुछ यूनिक लगा और ये अच्छा गिफ्ट पैकेजिंग में थी तो हम लोगों ने ये परचेज किया। तो ये दो हम लोगों ने कल लिया था यानी कि सैटरडे को। अब आज क्या शॉपिंग किया है वो आज दिखाते हैं। ये जैकेट जिस बच्चे का है उसी बच्चे का ये ट्रक है, काफी ह्यूज ट्रक है ये, तो तुम्हारा साइज का लग रहा है। मैं प्राइस नहीं बताऊंगी, ये सब पार्ट जो है इसका खुलता है, ओपन होता है। डंप है ये, क्या है? राजा डंप, ये देख सकते हैं। बहुत ही काफी ह्यूज है ये और मजबूत है, पर जिस बच्चे के पास जाने वाला है वो तो मुझे पता है कि मैं उसे ऐसे दूंगी, लो गिफ्ट, घूमूंगी, वापस टर्न करूंगी, ये टूट चुका होगा, ये मुझे पता है। लेकिन हमारा काम देना है, अब यूज कैसे करना है ये बच्चे पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं बता दूं, मैं जब बच्ची थी तो मेरे खिलौने बहुत जवानी तक मेरे अच्छे से रहे थे। तो ये खुलता भी है, तो ये एक हुआ बैडमिंटन, ठंड का मौसम है, बैडमिंटन भी मुझे अच्छा लगा ग्रीन, क्योंकि मैं मेरे पास भी जो बैडमिंटन है वो ग्रीन कलर की है तो थोड़ा हो गया कि चलो ग्रीन ही लेते हैं, तो ये ग्रीन बैडमिंटन है। और हमने कॉर्क भी लिया है, ये कॉर्क, बैडमिंटन दे रहे हैं तो कॉर्क देना तो बनता है, प्लास्टिक वाली नहीं देते हैं, वो बेकार होती है, ये पंख वाली अच्छी होती है। और जिस बच्चे के बारे में बात हो रही है उसने वीडियो कॉल पे बोला था कि मुझे स्टिकर वाला नेम प्लेट चाहिए, तो ये नेम प्लेट हमने दो लिया है, एक उसकी सिस्टर के लिए एंड उस बच्चे के लिए। ये भी ओपन करके दिखा, ये दो है। उसे पेप्पा पिग वाली चाहिए थी लेकिन यहाँ पे पेप्पा पिग था नहीं, तो मोटू पतलू वगैरह ही थे, तो एक एक दोनों का है बराबर, ये नहीं कि छोटा है तो उसे ज्यादा दे दो, नहीं, मेरा मानना है बैलेंस होना चाहिए। ये कॉफी मग उसकी सिस्टर के लिए जो कि जनवरी में 13 इयर्स की हो जाएगी, क्या देते उसे, उसका हाइट एज के हिसाब से बहुत ज्यादा है, कपड़े दे नहीं सकते हैं, हमें पता नहीं है कि छोटा हो बड़ा हो, उसे कपड़े भी बहुत जल्दी छोटे होते हैं वादी में। तो ये हमने कॉफी मग दिया है जिसमें वो रोज दिन इसमें मिल्क पी करके वो स्कूल जा सकती है, तो जब भी पिएगी तो उसे हमारी याद आएगी, तो इसीलिए इसी हिसाब से हम लोगों ने ये दिया है। पैकिंग हस्बैंड भी करेंगे। ये बोरोलिन पर्सनल पर्पस के लिए हम लोगों ने लिया है, सैनिटाइजर इज वेरी मस्ट फॉर ट्रैवलिंग, हर पर्पस के लिए। और ये मैंने स्मॉल लिया है ट्यूब लैक्मे पीच मिल का, मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई है, डेट्स व्हाई। जलेबी लिया है मैंने और That's all. और तो कुछ नहीं बचा। तो इतना सामान हम लोगों ने लिया है, किसके लिए लिया है, क्यों लिया है, उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दैट इज सुनिया ब्लॉग।